देखिए इस तरह एक बार आप गुलर का रायता बना के ज़रूर देखिएगा आप। कद्दू का रायता, खीरा का रायता खाएं, बूंदी का रायता, लेकिन आज आप गुलर का रायता बना के इस तरह देखिएगा। पेट ठंडा रखता है गर्मी का मौसम में, बहुत अच्छा लगता है खाने में। हेलो दोस्तों, आज आपको छोटा गुलर का रायता बनाने के लिए बता रहे हैं। एक गुलर है 250 ग्राम ताज़ा वाला, उसको तोड़ लिए पेड़ से। अब इसको उबाल लेते हैं। पहले देखिए कुकर में पानी है, इसमें एक गुलर को डाल दिए, जिसको देहाती में डूमर भी बोला जाता है। इसको पहले 2 सीटी लगा लेते हैं। एक गुलर सीख गया है, इसको ठंडा कर लिए हैं। अब चम्मच के सहारे इसको इस तरह थोड़ा सा चूर लीजिएगा, ताकि गोटा गोटा ना रहे। इस तरह चूर लिए हैं, अब यह ठंडा हो गया। अब इसमें दही सामग्री में इसमें मसाला मिलाएंगे। दही है 100 ग्राम, 2 से 3 हरी मिर्च है छोटे छोटे काट लिए, लाल मिर्च और जीरा का पाउडर है, एक काला नमक है। इसमें मिक्स करना। देखिए दही अपना कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरह दही को मिक्स कर लीजिए अच्छा से। ये सारा मसाला भी मिक्स कर लीजिए। बहुत टेस्टी। सारा दही ले लिया। देखिए इस तरह एक बार आप गुलर का रायता बना के ज़रूर देखिएगा आप। कद्दू का रायता, खीरा का रायता खाएं, बूंदी का रायता, लेकिन आज आप गुलर का रायता बना के इस तरह देखिएगा। पेट ठंडा रखता है गर्मी का मौसम में, बहुत अच्छा लगता है खाने में।